Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who is in Agartala on Monday, described Pakistan as a cancer, attributing to its creation to historical errors made by the Congress Party during the partition of India. Speaking at the Pran Pratishtha consecration and inauguration ceremony of the Siddheshwari Temple under the Shanti Kali Mission, Adityanath blamed the Congress for the atrocities against minority Hindus in Bangladesh, asserting that the party's leadership at the time accepted the partition proposal against public sentiment. When Bengal was first partitioned in 1905, the British faced strong resistance from society. The RSS and its allied bodies sensed the trouble brewing in 1925 and opposed it. But the Congress leadership allowed it to happen. What is being witnessed today is a consequence of that decision that was taken years back, Adityanath stated. He went on to claim that the historical mistake resulted in the creation of Pakistan, which he labeled as a cancer, while also stating the world must come together to eliminate this cancer. The Chief Minister also stressed the importance of protecting Dharma and strengthening the nation. सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरालया की बात करता है, लेकिन ये तभी जब हम स्वयं सुरक्षित हों। हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम दूसरों की सुरक्षा की बात कैसे करेंगे? पहले सुरक्षित होना, पहले अपने लोगों को सुरक्षित करना, फिर सबकी सुरक्षा और सबके सम्मान की बात करना, और यह आज की आवश्यकता है। आज देश के अंदर जब हम मजबूती के साथ भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निकले हैं, हम सबको इस बारे में मानना पड़ेगा कि अब भारत का समय है, भारत का समय है। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा, आपने त्रिपुरा को पिछले 7-8 वर्षों में यहां पर डबल इंजन की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से विकास का डबल स्पीड के साथ विकास यहां की आगे बढ़ी है, एक अंधेरे से प्रकाश की ओर आप पुनः बढ़े हैं, और आज त्रिपुरा तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य के रूप में न केवल बड़े बड़े हाईवे बना रहा है, एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से लाखों गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा हो, या इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक एक नागरिक के घर में राशन की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य, वैक्सीन उपलब्ध करवाने का कार्य, ये कार्य पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? पहले होने में क्या समस्या हो पा रही थी? लेकिन जब अच्छी सरकार आती तो ऐसे कार्य होते हैं, विकास के कार्य, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य, जगह जगह कनेक्टिविटी के कार्य, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का कार्य, हर घर नल के माध्यम से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य, हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने तो भेदभाव नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने तो भेदभाव नहीं किया किसी के साथ।